हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे यहाँ पर हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो आपके यहाँ पर फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का एक बुक है उसके हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जितने भी आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है। तो टोटल मिला के आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के जो आपके यहाँ पर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं इसके हम आगे आने वाले वीडियोस पे इनके सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे, जो भी आपके डेरिवेशंस है या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो पहले जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है ये है आपका स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हैंस गिव अ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी आपका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि खाली आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करना हो, और अलग से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो दो टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपके क्वेश्चन आएगा जीरोथ लॉ का, अगर आपके यहाँ पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है तो वो जीरोथ लॉ और कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आपका एक साथ ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडिकेटर डायग्राम। फिर लिखा है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इंडिकेटर डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पर भी बेसिकली दो क्वेश्चन आपके बने, एक आपका इंडिकेटर डायग्राम से बन रखा है और दूसरा आपका यहाँ पर कार्नोट साइकिल का वर्किंग भी पूछा है, ठीक है। तो अलग से भी बन सकता है और आपका एक साथ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 25 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पे पूछे गए प्रीवियस ईयर पे और इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पे आएंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, बोला कि यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट्स फॉर एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस। आपको यहाँ पर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन डेड्यूस करना है, इस एक्सप्रेशन आपको डेड्यूस करने फॉर द डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है, सॉरी आप एक्सप्लेन नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। फिफ्थ के आपके पास व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन सिक्स आपके पास है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। तो कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स उससे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी केमिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस है, ये कुछ आपके सेम है, और कुछ आपके फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स ये आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे, लेकिन बाकी आपके यहाँ पर बिल्कुल अलग है जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में था और फिजिक्स में, दोनों आपके डिफरेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी सेम है जो शुरुआत में आपको मिलेगी। एट्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, सॉरी सेवंथ क्वेश्चन, बोला कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एट्थ है व्हाट आर द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग मोर कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर कुछ आपके यहाँ पर आपको टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, 3 टर्म्स आपको दे रखी है, एक थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा आपको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपको बताना है, और थर्ड आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का अलग से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके जो पर आ रखे हैं, ये आपके लॉन्ग में आ रखे हैं, एक ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आया था 2018 पे, ठीक है। तो एक साथ ही आपका आ सकता है, अलग से आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। फिर क्या आपके पास यहाँ पर 10th क्वेश्चन, 10th बोला है कि डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडल गैस। आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बतानी है आइडल गैस की। 11th क्वेश्चन है डिफाइन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब ये जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर है ये आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो आपका लास्ट वाला है हीट ट्रांसफर वाला, ट्रांसफर ऑफ हीट वाला, उसके आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये आपके सेमेस्टर सिस्टम पे ये इंक्लूडेड है, आपके यहाँ पर ये जो ईयरली वाले में अलग से होगा, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम पे आपका एक साथ ही है, जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है और ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये आपका एक साथ कंबाइंड है। तो कुछ हम जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आपको 4-5 जो क्वेश्चन है ये आपके लगातार उसके क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ हीट और आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। जैसे आपका यहाँ पर डिस्कस द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर डिफाइन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी आपका यहाँ पर उसका क्वेश्चन है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट वाले का। क्वेश्चन 12 क्या है, राइट एंड रेड्यूस रेलिक जीन्स लॉ, ये भी आपका किसका है, वो ट्रांसफर ऑफ हीट वाले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी आपका ट्रांसफर ऑफ हीट वाले का क्वेश्चन है। पहले आपका ट्रांसफर ऑफ हीट मैकेनिज्म वाले में ये अलग से आपका पेपर हुआ करता था, लेकिन आपका कंबाइन हो चुका है, ठीक है। फिर आपका यहाँ क्या है 14th क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी एक्सप्लेन इन डिटेल, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको मिलेगा। और तो लास्ट आपका जो यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपका सेम है जो आपने वहाँ पर पढ़ा है गैसेस स्टेट में केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पर सेम मिलेगी जो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, यहाँ पर भी आपका सेम है। क्वेश्चन 15 क्या है, व्हाट इज विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ डेड्यूस इट थर्मोडायनेमिकली, ये चीज़ आपकी आती है वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट वाल के अंदर। 16th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये तो खैर आपने वहाँ भी पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, गैसेस स्टेट्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ भी आपका है जो आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली यूनिट है उसके अंदर आपको मिलेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्वेश्चन 17 है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिफाइंड इट, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर का डेफिनेशन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। 18th क्वेश्चन है, बोला है कि शो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 19 क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस विद एग्जांपल्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री पे है। तो जो क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री पे यहाँ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, दो चार ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ हो गया या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी आपका डिफरेंट है जो फिजिक्स में था और केमिस्ट्री पे। 20 क्या, व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। इंजन से आपको यहाँ क्वेश्चन आ रखा है उसके एफिशिएंसी से, बोला है कैन द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन एवर बी 100% एक्सप्लेन विद आंसर्स। तो ये भी आपका शॉर्ट में बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 है, बोला है कि वाई द जीरो ऑन एब्सोल्यूट स्केल, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर से आ रखा, वाई जीरो ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इज नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। 22 बोला है शो दैट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी वाले यूनिट से क्वेश्चन है, बोला कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट किसमें, रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस में। 23 क्या है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन से आपका क्वेश्चन आ रखा है, अलग से भी क्वेश्चन बन रखा है, जैसे ये आपका क्वेश्चन बना था यहाँ पर, यहाँ से बोला था यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो यहाँ से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन प्रूव दैट ES अपॉन ET इक्वल्स टू CP अपॉन CV, सिंपल्स हैव देयर यूजर मीनिंग। तो ऐसे भी इस टाइप से भी आपका मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 24 था, डिराइव क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन अलॉन्ग विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। आपको क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करना है, ये आपका ऑप्शनल भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी बनते। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और जो कार्नोट इंजन है, ये आपके ऑप्शनल भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन दोनों आपको इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ने हैं। 25 क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, बोला कि डिस्क्राइब जूल एक्सपेंशन, जो आपने जूल थॉम्सन एक्सपेंशन पढ़ा था केमिस्ट्री पे, वही चीज़ आपके यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट करके आपको दिया है। डिस्क्राइब जूल एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर बोला कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दीज थ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका भी यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में ही बनता है, 9 मार्क्स या 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।